हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीर बिल्डर सिंह में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपना मकान बना रहे हैं तो मकान बनाते समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा हमें सोचना पड़ता है, प्लानिंग। प्लानिंग आप बहुत अच्छे से सोच समझ कर करते हैं, यानी कि कमरे हमारे कहाँ कहाँ होंगे, किस हिसाब से होंगे। इसके बाद आप जब भी किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट को हायर करते हैं या कंसल्ट के लिए लेते हैं तो वो आपकी प्लानिंग करते हैं, वो भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन आप खुद अगर इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर आपका खुद का मकान बन रहा है तो आप लोगों को भी ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे जो घर हैं उनका वेंटिलेशन, यानी कि हम ओरिएंटेशन कह सकते हैं, एस्पेक्ट या हिंदी में हम इसे अभिमुखता भी कह सकते हैं, ये कैसा होना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि डोर विंडो वेंटिलेशन वगैरह की पोजीशंस कहाँ कहाँ रखना सबसे ज़्यादा अति उत्तम होता है और बेस्ट होता है। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एस्पेक्ट, ओरिएंटेशन या फिर अभिमुखता, जो मैं कह रहा हूँ अभिमुखता, ये क्या होता है, ये आपने अगर नहीं सुने होंगे तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए कि मान लीजिए हमारा मकान बन रहा है और जो हमारे सनलाइट की पोजीशंस के हिसाब से हमारे लिए जो सनलाइट आता है उसके साथ साथ हमारे जो कमरे में हवा, धूप और जो सुंदरता दिखाई देती है, जो बाहर का ओरिएंटेशन रहता है या बाहर का माहौल रहता है वो किस हिसाब से है और कैसे दिखेगा, ये जो सभी सुंदरता जो दिखाई देती है इसे हम अभिमुखता कहते हैं। देखिए, इससे पहले हम सीधा देखेंगे एक बेसिक चीज़, आप समझ लीजिए। बेसिक चीज़ ये है हमारी कि ये अगर मान लीजिए डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आप समझ लीजिए, हम कुछ इस हिसाब से लेते हैं, हमारा नॉर्थ सबसे ऊपर हो जाता है यानी कि उत्तर दिशा, यह हमारी उत्तर दिशा हो जाती है। नीचे हो जाता है हमारा साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण दिशा, यह हो गया हमारा नॉर्थ साउथ, यह हो जाता है हमारा ईस्ट यानी पूर्व, और ये हो जाता है हमारा पश्चिम यानी कि वेस्ट, ये हो जाता है हमारा डायरेक्शन। अब अगर हम इनके बीच में बात करें कुछ इस हिसाब से तो हमारा ये हो जाता है नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाता है हमारा साउथ ईस्ट, ये हमारा हो जाता है वेस्ट साउथ, ये साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं इसको आप, और ये नॉर्थ वेस्ट। ये इस हिसाब से हम समझते हैं कि किस हिसाब से हमारा प्लानिंग हुआ है, कौन सी डायरेक्शन है, ये वास्तु के हिसाब से भी हैं और ये मॉडर्न जो इंजीनियरिंग है उसके हिसाब से भी है। अब हम देख लेते हैं कमरे की पोजीशन के, हमें डोर विंडो कहाँ देना चाहिए जो परफेक्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहले किचन, फर्स्ट नंबर पर किचन, जहाँ पर हम अपना रसोई यानी कि खाना वगैरह बनाते हैं वो होता है हमारा किचन। अब किचन हमारा, हम अगर मान लीजिए इसका एस्पेक्ट दे रहे हैं यानी कि डोर विंडो, यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन डोर की तो हम चेंज कर देते हैं लेकिन जो विंडो है या वेंटिलेशन है उसका विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। और जो हमारा एस्पेक्ट या अभिमुखता है इसमें हम क्या करते हैं, विंडो का विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं। डोर अगर नहीं भी ध्यान रखते तो ऐसी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होती। देखिए, अगर किचन की बात करें तो इसका आता है ईस्ट, ईस्ट यानी यहाँ पर हम ले सकते हैं इस पोजीशन में, इस पोजीशन में ले सकते हैं। अब इसको हम थोड़ा छोड़ देते हैं, हम इधर बात करते हैं। अगर मान लीजिए डाइनिंग, डाइनिंग यानी कि हमारा किचन में हमारा खाना बना और डाइनिंग में हम जो भी है हमारा खाना खाते हैं या भोजन ग्रहण करते हैं वो हो जाता है हमारा डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम की बात करें तो ये होना चाहिए हमारा साउथ, अगर ईस्ट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा पूर्व, साउथ की बात करें तो ये हो जाता है हमारा दक्षिण, दक्षिण दिशा और ये पूर्व दिशा। अब हम बात करें लिविंग रूम यानी कि हमारा रहने योग्य कमरा, ये रहने योग्य कमरा हमारा है तो इसका साउथ होना चाहिए, साउथ यानी कि दक्षिण, फर्स्ट साउथ यानी दक्षिण और सेकंड हमारा होता है साउथ ईस्ट, हमारा साउथ ईस्ट में भी हो सकता है यानी कि दक्षिण, ये देख लीजिए आप, दक्षिण और
पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में भी आप इसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल लगे या फिर जो बेटर हो आप उसे रख सकते हैं। ये थर्ड हो चुका है हमारा। फोर्थ हमारा ड्राइंग रूम, यानी कि बैठक, बैठक कक्ष इसे आप कह सकते हैं, ड्राइंग रूम यानी। अब जो हमारा ड्राइंग रूम है इसका साउथ में होना चाहिए फर्स्ट, तो साउथ यानी कि दक्षिण, दक्षिण या फिर साउथ ईस्ट यानी दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में। अगर हम इससे आगे बात करें, फिफ्थ नंबर पर है हमारा बेडरूम। बेडरूम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जहाँ पर मैक्सिमम अपना टाइम व्यतीत करते हैं वो होता है हमारा बेडरूम। सोने बैठने के लिए हम ज़्यादातर बेडरूम का ही यूज़ करते हैं, बाकी जो अगर हम बात करें लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, तो इनका यूज़ हम कम से कम करते हैं। बाकी सबसे कम अगर बात करें तो हम डाइनिंग और किचन का यूज़ करते हैं, और जो महिलाएं हैं उन लोगों के लिए किचन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें तो विंडो की पोजिशन आपको बराबर ध्यान रखना ही चाहिए। अब हम बात करेंगे बेडरूम की। बेडरूम जो है इसका होना चाहिए पहली चीज तो बेस्ट, यानी कि हमारा पश्चिम, पश्चिम दिशा में, या फिर पश्चिम दिशा में अगर पॉसिबिलिटी नहीं है या नहीं दे पा रहे हैं तो और हम कहां दे सकते हैं, वेस्ट साउथ, यानी कि पश्चिम या दक्षिण के बीच में भी दे सकते हैं हम इसे, अगर कंडीशन हमारी नहीं है ऐसी। तो कोशिश करना चाहिए कि मैक्सिमम तौर पर इन जगह पर आए। नेक्स्ट सिक्स नंबर पर स्टोर रूम। स्टोर रूम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है स्टोरेज करने के लिए हमारे घर में, तो इसका नॉर्थ यानी कि उत्तर, उत्तर दिशा में होना चाहिए। अगर हम किसी के घर में, अगर मान लीजिए वो कोचिंग क्लासेस या फिर कहीं ऐसा पढ़ाने का अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, लेक्चर रूम है उनके यहाँ पर, तो वो नॉर्थ में रख सकते हैं वहाँ पर, यानी कि उत्तर दिशा में। और मान लीजिए अगर किसी के यहाँ पर स्टूडियो है, स्टूडियो जहाँ पर हम मैक्सिमम कंडीशन में यूज़ करते हैं गाने वगैरह के लिए या फोटो शूट के लिए, वीडियो शूट के लिए, या फिर स्टूडियो हमारा और भी कुछ ऑफिस जैसे भी हो सकता है, तो स्टूडियो कौन सा है ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि हमें कैसा बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये स्टूडियो रहेगा। अब स्टूडियो की बात अगर हम करें तो साइज़ वगैरह, तो स्टूडियो के हिसाब से मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। और ये कमरे जो हैं यानी कि जो रूम्स हैं कि कौन से रूम्स होंगे, इनके लिए स्टैंडर्ड साइज और मिनिमम साइज के दोनों वीडियो जो हैं उनको मैं बना चुका हूं, वो आप अगर ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें जरूर देख लें, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे ये नॉर्थ में होना चाहिए यानी कि हमारा उत्तर। स्टूडियो की बात करें तो, और लास्ट है हमारा स्टडी रूम, यानी कि स्टडी रूम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे जो रहते हैं वो हमारे स्टडी रूम में हमेशा पढ़ने का काम करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि एक सही से वेंटिलेशन होना चाहिए, सही से हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से होना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उन लोगों का वहाँ पर रहता है और वहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा रहे, वहाँ पर सही से आपकी हवा वगैरह, एयर वगैरह हो और हर एक चीज़ लाइट वगैरह आए, इसके लिए इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। ये होता है हमारा नॉर्थ यानी कि ये भी उत्तर। अब अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर देख लीजिए, किचन, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, स्टोर रूम, लेक्चर, स्टूडियो और स्टडी। अगर हम इन सभी रूम्स की बात करें तो मैक्सिमम इन रूम्स को अगर हम देखें तो इनमें एक घर हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है तैयार। और अगर हम इनकी बात करें तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए आप कि इस हिसाब से होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट है या इंजीनियर है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आप लोगों को ये जानकारी लग जाएगी कि कौन सी डायरेक्शन होता है, कहाँ पर हमें क्या रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसा लगता है, कहीं डाउट है या कोई क्वेरीज है या आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी हमें कमेंट्स आप कर सकते हैं। और आप लोगों को ये जानकारी तो बिल्कुल होगी कि डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही अगर कोई आर्किटेक्ट या इंजीनियर प्लानिंग करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं होते या फिर उन लोगों का ये रहता है कि हम अपने हिसाब से भी इसको करवा सकते हैं, कुछ लोग वास्तु मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, तो ये सभी की अपनी अपनी थिंकिंग है।
लेकिन आप अगर मान लीजिए इंजीनियर हैं या आप वर्क कर रहे हैं, वर्किंग है या स्टूडेंट भी हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए और ये प्लानिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाएँ, हमें मैसेज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, फॉलो करें हमें। और अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए थैंक यू।